صباحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. कह रहे हैं कि मैं पढ़ूँ. इनका सवाल है हुज़ूर के जो ये आयत है वमा काना मोहम्मदिन आबा हदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन. बराए मेहरबानी इस आयत से खातिमुन नबीयीन का जो मैनी अहमदी करते हैं और जो गैर अहमदी करते हैं इसका मुख्तसरन मुआज़ना फरमावें. मुख्तसर की शर्त मुश्किल है, बाकी बातें आसान हैं. क्योंकि अगर आपने बात समझनी हो तो ज़रूरी है कि इसके सब पहलुओं पर रोशनी डाली जाए. ये बुनियादी वजह इख्तलाफ़ है जो अहमदियों और गैर अहमदी उलमा के दरमियान बयान की जाती है. बयान की जाती है का क्या मतलब है मुझे ये भी समझाना होगा. मेरे नज़दीक आयत खातमुन नबीयीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है. पहले ये बात आपको समझा दूँ. इसलिए नहीं है कि इसका ये मतलब करने के बावजूद कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए ख़त्म है. ये तर्जमा करने के बावजूद जब आप उनसे मज़ीद पूछें कि क्या मसीह आएगा या नहीं आएगा, कहते हैं ज़रूर आएगा. अगर हम इनकार कर दें तो काफिर हो जाओगे. वो नबीउल्लाह होगा या उसकी नबूवत आसमान पर ही रह जाएगी. वो कहेंगे बिला इस्तिस्ना हर मौलवी शिया हो या सुन्नी ये कहेगा कि लाजिमन वो नबीउल्लाह होगा. जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ. ठीक है ना ये बात. अब बताइए हम भी तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं. हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मसीह मौऊद मानते हैं. वो कहते हैं मसीह मौऊद मानो, नबीउल्लाह क्यों मानते हो? और जो उनका आने वाला है उसको अभी भी नबीउल्लाह, ख़ुद भी नबीउल्लाह मानते हैं. तो इख्तलाफ क्या हुआ? आयत खातमुन नबीयीन के होते हुए भी ये तमाम उलमा बग़ैर इस्तिस्ना के उस मसीह को जो इनके नज़दीक अभी नहीं आया लेकिन कल परसों कभी तो आएगा, वो कहते हैं जब आएगा वो ज़रूर नबीउल्लाह होगा. फिर हम पूछते हैं इख्तलाफ क्या है? वो कहते हैं इख्तलाफ फिर इतना बना कि हमारा अकीदा ये है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी उम्मती को नबी का लक़ब अता नहीं हो सकता, नबी नया नहीं बन सकता. वो कहते हैं इसलिए पुराना नबी आएगा. अब इस बात में कोई अदना सा भी गौर करे तो एक हैरत अंगेज़ तजाद मालूम होता है और एक बेअखली की बात मालूम होती है. अगर नबी आने बंद हो गए हैं तो क्यों बंद हुए? एक ही वजह है, वजह फजीलत अगर उसको कहा जा सकता है, कि ऐसा नबी आया जिसके बाद हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरत ख़त्म हो गई. अगर वो ये माने तो उनके और हमारे दरमियान फिर इख्तलाफ होगा. मगर ज़रूरत के वो भी कायल हैं, हम भी कायल हैं. हम भी कहते हैं नबूवत की ज़रूरत रहेगी और यकीनन आप भी यही मान रहे हैं कि ज़रूरत होगी. तो इख्तलाफ ये नहीं है कि नबी आएगा कि नहीं, इख्तलाफ यह है कि उम्मती को नबी बनाया जाएगा या मूसा की उम्मत से उधार मांगा जाएगा. ये फ़र्क है सिर्फ. इसमें खातमे नबीन का फ़र्क कहाँ से हो गया? सिर्फ इतना फ़र्क है. और मैं तकरार करता हूँ इस बात की, आप बेशक पूछ के देख लें. वो तमाम के तमाम एक नबी की ज़रूरत को मानते हैं, जानते हैं कि एक नबी ज़रूर आएगा. वो कौन होगा ये बहस है. हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होगा और उसको नबूवत का लक़ब मिलेगा
वो कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में कोई माँ नबी पैदा नहीं कर सकती अब, इसलिए अल्लाह की मजबूरी है गोया के, क्योंकि नबूवत की ज़रूरत पेश आ गई, नबी बन नहीं सकता, खुदा ने एक पुराना नबी उठा रखा है, और वो नबी कौन है? मूसा की उम्मत का नबी, वो नबी जिसको कुरान करीम आज भी यही फरमा रहा है, रसूलन इला बनी इसराइल। मसीह कौन है? बनी इसराइल का रसूल। अब अगर उनका मसीह उतर भी आए तो नबूवत वाली बात तो फिर भी वही रहेगी, पुराना आए या नया आए, जो पुराना आएगा वो रखना डालेगा नबूवत में। उम्मत मोहम्मदिया में नबी का पैदा होना आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ नहीं है। बाहर से कर्ज मांगना, ज़रूरत हो और घर में बच्चा ना संभाल सके उस ज़रूरत को, ये उम्मत मोहम्मदिया की गुस्ताखी है। अगली बात जब और खोलता हूँ तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस अकीदे को सुनकर आपके दिल में तवज्जो क्यों ना पैदा हुई कि इसको सवाल तो करके देखें कि क्या अकीदा हम लोगों की तरफ मंसूब हो रहा है, इन आपकी तरफ मौलवी ये बात मंसूब कर रहे हैं। जब आप उनके पीछे लगे तो उनके अकीदे के पीछे भी लग गए। वो ये कहते हैं कि मसीह पुराना उतरेगा, वजह यह है ज़रूरत है, और अगर बेज़रूरत नबी रखा हुआ है तो फिर ये खुदा की अकल के ख़िलाफ़ बात है। ज़रूरत है तो नबी आएगा, पुराना आएगा। अगर आप कुरान से उस नबी को जो उतरेगा ये आयत निकाल के दिखा दें कि रसूलन इला बनी इसराइल, तो वो क्या जवाब देगा आपको? वो ये कहेगा कि अब मेरी नबूवत फैला दी गई है, पहले मेरी नबूवत महदूद थी, तो फिर नई नबूवत हो गई। पहली नबूवत कहाँ रही? पहली नबूवत महदूद बनी इसराइल की नबूवत है, और जब तक उसको नई नबूवत अता ना हो वो उम्मत मोहम्मदिया में आकर हुक्मरानी नहीं कर सकता। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले नबियों के दरमियान हम जब फ़र्क दिखाते हैं तो एक बड़ा अहम और बुनियादी फ़र्क ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और वाहिद नबी हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के नबी बनाए गए। इससे पहले कभी किसी को तमाम बनी नौ इंसान की हुक्मरानी नहीं बख्शी गई। ऐसी कतई और हकीकी बात है कि इस पर मुतसब से मुतसब मौलवी भी इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। दुरुस्त है, ईसा उनमें थे कि नहीं थे? अगर थे तो ये इनकलाब कब आया कि ईसा जो बनी इसराइल का महदूद नबी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी नबूवत में शरीक हो गया? शरीक वो होता है जो बाहर से आता है। बेटा अपने बाप की दौलत में वारिस कहलाता है, शरीक नहीं हुआ करता। इसलिए जो हमें जो कहते हैं शिर्क फिर नबूवत करते हो, खुद मुशरिक फिर नबूवत हैं और अव्वल दर्जे के। और फिर आगे देखें इसका मतलब क्या बनता है। क्या ईसा नबीउल्लाह पर आसमान पर कुरान करीम नाजिल किया गया था जो रसूल सल्लम पर नाजिल हुआ? नहीं किया गया। जब उसको तालीम और दी गई थी, और कुरान फरमाता है उसको इंजील की तालीम दी गई थी जिसमें उस पर फ़र्ज किया गया था कि वो बाइबल पर अमल करे, और ये आयत कुरान करीम में मौजूद है कि उसने दावा किया कि मैं बाइबल में एक शोशा भी इजाफे के लिए या इसको कम करने के लिए नहीं आया। मुसलमा अकीदा है ये, तो उसको नई नबूवत कहते हैं दी जाएगी, उसको कुरान दिया जाएगा, और चूंकि उसने नबी गैर नबी से तालीम हासिल नहीं किया करता कलाम इलाही की, इसलिए ये अकीदा इन्होंने बनाया है कि कुरान उस पर दोबारा नाजिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या पता कुरान क्या है? उसको तो बाइबल का पता है। कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली जिंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है,
कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल ना करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं, तो वो शरीक मुकम्मल बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लम का। उस पर एक दफ़ा फिर कुरान नाजिल किया जाएगा और वो जिसकी हुकूमत बनी इसराइल तक महदूद थी वो कुल आलम पर हुक्मरान होगा। ये नबी पुराना नबी नहीं है, ये नया नबी है। और आखिरी नबी जो इस हैसियत से दुनिया देखेगी वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे बल्कि ये नबी होगा। इसलिए ये इख्तलाफ़ जो है ये महज लफ्जी भी है और ज़्यादा आगे जाके देखें तो बहुत गहरा हो जाता है, मगर मसीह के गिर्द अकीदे के लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी गैर कौमों से गैर उम्मतों से नहीं आ सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत है, जो भी मुसलह पैदा होगा इसी उम्मत में पैदा होगा, जो भी फैज़ पाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पाएगा, आपके कुरान से दीन सीखेगा और इस हैसियत से वो अतात में जब बढ़ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अतात में जब बढ़ जाएगा तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में उसको वही काम करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम था। वो क्या है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर गालिब कर ले। ये हमारा अकीदा है। अब मैं आयत खातम नबीन की तरफ आता हूँ। पहले मैं दोनों के अकीदे की तशरीह बता रहा था कि फ़र्क है तो क्या है। आयत खातम नबीन का ये तर्जमा जो वो करते हैं कि वो नबी आया जिसने पहले सब नबियों को ही नहीं बल्कि नबियों का बीज ख़त्म कर दिया, तुख्मे नबूवत ख़त्म हो गया और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी थे उन सब को ख़त्म कर दिया। ये मानते हैं कि नहीं? कैसे ख़त्म किया, जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर? दो ही माने हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया तो सब नबी तो अपनी मौत खुद ही वफात पा चुके थे, एक ही टेस्ट केस बाकी था ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं। हम कहते हैं जिस्मानी तौर पर भी कुल नबियों को बिला इश्तबाह ख़त्म कर दिया, यानी एक नबी भी आपकी उम्र से गुजर कर जिंदा नहीं रहा, आपकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका था, आपकी नबूवत से पहले फौत हो चुका था। ये मौलवी जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये कहते हैं कि नहीं, एक नबी जिंदा था, वो जिंदा था, जिंदा रहा इनके कौल के मुताबिक। तो किसने किसको ख़त्म किया? वो नबी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले इनके बयान के मुताबिक पैदा हुआ और 570 साल की उम्र में वो आसमान पर बैठा हुआ देख रहा था और उसके सामने एक बच्चा पैदा होता है, उसके सामने जवान होता है, अपनी नबूवत का दौर ख़त्म करके गुजर जाता है, तो किसने किसको ख़त्म होते देखा? इनके कौल के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म होते देखा और वो दोनों ये दावे आ हज़रत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने झुटला दिए। आप फरमाते हैं मैं पहला भी हूँ और आखिरी भी हूँ। अगर जिस्म के लिहाज से ये मानते हैं तो पहला तो मसीह था, पहले पैदा हुआ, और मौत के लिहाज से मानते हैं तो आखिरी मसीह हुआ, बाद में मरा, इनके कौल के मुताबिक। तो ख़त्मे नबूवत का तो इन्होंने कुछ भी बाकी न रहने दिया। अगला कदम फैज़ का, सब नबियों के फैज़ कुरान करीम के नज़ूल से पहले ही ख़त्म हो चुके थे,
कुल अंबिया अपने फैज का दौर ख़त्म करके अपनी सफ़े लपेट के जा चुके थे, एक मसीही बाकी था ना। ये कहते हैं उसका फैज ना सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि बराए रास्त उसने खुदा से वो फैज पाया जो पहली ज़िंदगी में उसको हासिल नहीं था। फैज़ में बढ़ गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी उम्मत को ज़िंदा करने में बुनियादी किरदार मसीह अदा करेगा। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत तो मर रही थी, उसमें सांस लेने की ताकत नहीं रही थी, ज़िंदा किया तो मूसवी उम्मत के मसीह ने। तो फैज़ कैसे ख़त्म किया? ना जिस्म ख़त्म कर सके, ना फैज़ ख़त्म कर सके। और दावा यह है कि हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं, गलत कहते हैं। मैं उलमा को बारहा ये कह चुका हूँ कि इस मामले पे गुफ्तगू करो, मैं साबित करूँगा कि तुम्हारे मानों में भी, जो हम माना करते हैं वो बहुत बुलंद है, जो तुम माना करते हो उसमें भी हम कायल हैं, तुम कायल नहीं हो। और वो ख़त्म का माना ख़त्म करना, जैसे कि मैं बयान कर रहा हूँ, ये करते हैं। और मैं साबित कर चुका हूँ कि ना वो जिस्म को ख़त्म मानते हैं जिस्मानी लिहाज से, ना रूहानी लिहाज से। जमात अहमदिया दोनों लिहाज से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम मानती है। और क़ुरान करीम में ख़ातमुन नबूवत नहीं लिखा गया, ख़ातमुन नबीयीन लिखा गया है, अन नबीयीन। जितने भी नबी थे कुल्लुहुम, उन सब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दिया। और हम कहते हैं कि ईसा आपसे पहले वफात पा चुके थे, इसलिए कोई नबी भी जिस्मानी लिहाज से आपसे आगे नहीं निकल सका। रूहानी फैज़ आपकी उम्मत तक महदूद रहा और उसमें भी मूसा ईसा को तो ये भी तौफीक न मिली कि 30 से ज़्यादा अपने मुतबईन पीछे छोड़ कर जाता। और रूहानी लिहाज से बहुत कुर्बानी करने वाला, मगर कामयाबी के लिहाज से एक बेताकत नबी दिखाई देता है। उसके विसाल के बाद, लंबे अरसे के बाद, फिर रफ्ता रफ्ता खुदा ने गलबा अता किया है, मगर ज़िंदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरफ नसीब ना हुआ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में ये शरफ नसीब हुआ कि आँखें बंद नहीं कीं जब तक अरब में वो इनकलाब बरपा ना कर दिया जिसका बीड़ा तन्हा उठाया था। और हैरत अंगेज इनकलाब था जो अरब की हदों से छलांग लगाकर एक तरफ किसरा की हुकूमत में दाखिल हो चुका था, दूसरी तरफ कैसर की हुकूमत में दाखिल हो चुका था। रसूल सल्लम की ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ है। तो उस नबी की खिदमत की उम्मत को ज़िंदा करने के लिए मसीह को लाया जाना था। एक लगव ख्याल है, जमात अहमदिया इसको रद्द करती है, इसको आयत ख़ातम नबीन के मुनाफी करार देती है। हम क्या माने समझते हैं? अव्वल वो माने समझते हैं जो अरबों में राइज थे और आज भी राइज हैं। ख़ातम का लफ्ज़ कुरान ने इजाद नहीं फरमाया, एक अरब मुहावरे को इस्तेमाल फरमाया है जिसको सब अरब जानते थे। ख़ातम का लफ्ज़ अरब बेहतरीन के मानों में इस्तेमाल करते हैं जिससे ऊपर कोई ना हो, यानी मकाम के लिहाज से आखिरी हो। चुनांचे बू अली सीना, जो मशहूर तबीब बल्कि अतिब्बा के बाप माने जाते हैं, उनको ख़ातम अल अतिब्बा लिखा जाता है। मुतनबी शायर जो अरबों का शायर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है, ख़ातम का माना अरबों पे रोशन हो चुका था, इसके बावजूद उसके दीवान उठाकर देख लें, ख़ातम शुअरा अल मुतनबी, तमाम शुअरा का ख़ातम। आगे देखें, हमारे ज़माने में, हमारे मुल्क में हकीम अजमल ख़ान पैदा हुए, दिल्ली में बहुत चोटी के हकीम थे जिनका आज तक नाम, उनके नाम का डंका बजता है तिब में। उनके जो बयाद है उसके ऊपर लिखा हुआ है ख़ातमुल हुकमा या ख़ातमुल अतिब्बा, दोनों में से
हकीम अजमल खान साहब, तमाम अरब इस्तेमाल को देख लें, एक जगह भी इस आयत जो मुतनाज़ा फी है इसको छोड़कर अरब इस्तेमाल में खातम का मतलब जमानी लिहाज से आखिरी कहीं नहीं मिलेगा, मर्तबे और मकाम के लिहाज से आखिरी ज़रूर मिलेगा। यानी जब अरब शायर को खातम कहते हैं तो मुराद ये है कि इस कमाल का शायर अब कभी नहीं आ सकता। शागिर्द आ सकता है, हमसर नहीं आ सकता, उस्ताद नहीं आ सकता। ये सनद है, इस ये सनद चलेगी, खातम यानी मोहर उसकी चलेगी, और इसके मुकाबल पर जो भी दावा होगा वो गिर जाएगा। जिसको तस्दीक ना हासिल हो इस शायर की वो बेमानी है। तो वो असातिज़ा जिनकी सनद चलती है उनको खातम कहा जाता है, वो अतिब्बा जिनकी सनद चलती है जो अपने मजमून में दर्जा कमाल को पहुंच जाते हैं उनको खातम कहा जाता है। और एक इस्तेमाल खातम का खुद हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी सुनिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, अंता खातमुल औलिया, एक रवायत में है फरमाया अंता खातमुल असफिया, बात एक ही है, दोनों रवायतें मिलती हैं। अगली बात सुनने वाली है, कमा अना खातमुल अंबिया, जिस तरह मैं खातमुन नबीयीन हूं, ए अली तू वलियों का खातम है। अब खातम का तर्जमा वो लगा के देखें जो मौलवी करते हैं, क्या मतलब बनेगा? कमा का लफ्ज भी आ गया है, जैसा मैं वैसा तू, खातम में हम बराबर हैं, लेकिन मैं नबियों का खातम, तू वलियों का खातम। तो मतलब ये बनेगा कि ए अली, जिस तरह मेरे आने के बाद, इन मौलवियों के तर्जमे के लिहाज से, जिस तरह मेरे आने के बाद हर किस्म की नबूवत की अता ख़त्म हो चुकी है, हाँ पुराना नबी आ सकता है, उस तरह ए अली मेरे बाद, तेरे बाद वलायत की सफ इस्लाम से लपेट दी जाएगी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून का दावा बेकार जाएगा, कुरान करीम गलत निकलेगा नाउज़ुबिल्लाह, कोई वली पैदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं आखिरी नबी हूं उस तरह तू आखिरी वली ये उम्मत में है, इसके बाद कोई उम्मत का कोई शख्स कभी वली का मुंह नहीं देखेगा। ये तर्जमा काबिले कबूल है, तस्लीम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या वलायत भी ख़त्म हो गई? नबूवत तो गई, नबी नहीं आ सकता तो क्या वली भी कोई नहीं आएगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया है अली को कि ए अली तू खातमुल औलिया है। बस खातम का माना अगर वो माने जो मौलवी करते हैं तो मतलब ये है तू आखिरी वली है, अब कभी कोई वली नहीं आएगा, और ये झूठ है। वो माना करना पड़ेगा जो दोनों जगह बराबर अखलाक पाए। गज कपड़ों से तो नहीं बदला करता, गज तो उतना ही रहता है, रेशम नापो या खद्दर नापो। इसलिए लफ्ज़ खातम वही है जो दोनों जगह बराबर इस्तेमाल होगा। जमात अहमदिया के नज़दीक खातम का के मानी जो मारूफ और राइज हैं वो यहाँ चलते हैं। एक माना मैंने बताया है, सबसे ऊपर सबसे बाला, जिसका मसलक आखिरी मसलक शुमार हो, जो आखिरी मानवी सनद बन जाए। तो मुराद ये है कि जिस तरह मैं नबियों के लिए एक सनद बन गया हूँ, मेरे हवाले के बगैर कोई नबी सच्चा नहीं हो सकता, जब तक मेरे आसार उसमें ना पाए जाएं, जब तक मेरी तस्दीक ना पाई जाए, किसी की नबूवत सच्ची नहीं। इस तरह वलायत में जो तेरा मुखालिफ होगा, जिसमें तुझसे मुखालिफ आसार वलायत होंगे और वो कहेगा मैं वली हूँ, झूठ बोलता है। इस नुक्ते को समझकर तमाम झूठे सूफिया का पोल खुल जाता है। वो जो हजरत अली के पैराव होकर मुल्तान में नाचते फिरते हैं और चिमटे बजाते हैं और अली का नारा बुलंद करते हैं, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत के मुखालिफ चलकर साबित कर देते हैं कि वो वली नहीं है,
क्योंकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खातमुल औलिया करार दे दिया। बस अगर हिकमत से बात समझें तो बड़े फवायद हाथ आते हैं, अगर बेहिकमत की बात करके तासुब के पीछे चलें तो सारा फैज़ हाथ से जाता रहता है। अब आगे चलते हैं, लफ्ज़ ख़ातम के और क्या माने हैं? अंगूठी जिसके ऊपर कुछ लिखा हो कहीं लगाएं तो वो मोहर तस्दीक बन जाती है। ये बहुत ही अजीमुशान दावा है जिसकी नज़ीर दुनिया में किसी नबी में नहीं मिलती। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मुसद्दिक करार दिया गया है। मानवी लिहाज से पहले बता चुका हूँ, अब ज़ाहरी मानों से भी मुसद्दिक करार दिया गया। आपकी मोहर तस्दीक हो तो नबी है वरना नहीं है। और मैं बारहा मज़ाहिब को चैलेंज दे चुका हूँ, आज तक किसी एक ने भी इसको इसके जवाब में कुछ पेश नहीं किया। वो ये है कि एक नबी मुझे दिखाओ कुल आलम में जिसने कुल आलम के नबियों की तस्दीक की हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा एक भी नहीं है। आ हजरत अकेले नबी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मानो तो ये काफ़ी नहीं है, मैं भी तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में हर ज़माने में नबी भेजे हैं, तुम भी तस्दीक करो कि अल्लाह ताला ने तमाम ज़बानों में हर मकाम हर मरतबा हर बस्ती में नबी भेजे हैं। ये मानोगे तो मेरा ईमान कबूल होगा वरना मेरा ईमान भी रद्द है, यानी मुझ पर ईमान लाना भी रद्द है। आमन रसूल बेमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस शान के नबी हैं कि वो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर और मलाइका पर और कुतुब पर और तमाम अंबिया पर, और आपके मानने वाले भी सब के सब मजबूर हो गए हैं कि वो इन सब बातों पर ईमान लाएं, और दावा ये करते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम खुदा के भेजे हुए में से किसी में कोई तफरीक नहीं करते, जो उसकी तरफ से आया उसके सामने तेरे तस्लीम खान उसको मानना पड़ेगा। यह है खातम नबी, अगर कुर है तो निकाल के दिखाओ, माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित कर दे, उसकी बर्तरी को साबित कर दे, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना यह दावा के बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी ज़ात में इस्लाम की बरतरी साबित करने के लिए इस बात में इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातम नबीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है, क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फ़र्ज करें तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैन ही यही हाल हर दूसरे नबी का है, उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया खत्म हो गया। आज उस नबी को ये तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा ये दावा करता है मसलन अलैहिस्सलाम तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है, मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है उसको कृष्ण से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा, बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकता। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा।
लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, कृष्ण को भी सच्चा मानना पड़ता है, जरतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला। तो खातमे नबीयीन की आयत तो अजीम शान आयत है, इसके इतने बतन हैं, इतने इसमें रूहानी मतालब इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप अकल से और दिल की गहराई से गौर करें तो इस शान की आयत दुनिया में कभी किसी नबी को अता नहीं हुई। आखिरी होने के दावे से नहीं, उसको तो खुद ही रद्द कर बैठे इन मानों में जो मैं बयान कर रहा हूँ। फिर खातम नबीयीन किस मौके पर बयान हुई है, वो आयत जो आपने पढ़ी है, वो आयत यूँ है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातम नबीयीन। क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। आमतौर पर तर्जमा लोग कर देते हैं मर्दों में से बाप नहीं है, ये मैं ये नहीं मानता, इसलिए कि रिजाले कुम का मतलब है तुम्हारे मर्दों के। आम तौर पर जिस किस्म के मर्द तुम पाए जाते हो उनका बाप होना तो काबिल फख्र है ही कोई नहीं। तुम इल्जाम लगाते हो कि इसका बेटा नहीं है, इसलिए ये अदना है। कुरान कहता है कि जिस किस्म के तुम लोग हो तुम्हारा बाप होना काबिल फख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म बात है, कोई इज्जत नहीं है इसमें। किन का बाप है ये? रसूलों का बाप है। खातम का मतलब बाप भी है। इन मानों में भी हम लफ्ज खातम पर कामिल यकीन रखते हैं और इसमें गहरी हिकमत है। अल वलदो सिर्रुल अबी है, ये मुहावरा है अरबी का कि बेटा अपने बाप का राज रखता है अपने अंदर। उस जमाने में तो जीन्स इजाद नहीं हुई थी, जो सोलह सलम के ज़माने में जब खातम नबीन की आयत नाजिल हुई है तो ये दावा किसी बज़ाहिर किसी साइंटिफिक फैक्ट पर मबनी नहीं था, मगर आज ज़माने ने खोल दिया है कि बेटा बाप की सिफात से पहचाना जाता है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा नहीं है कोई रसूल तो रसूल नहीं है, क्योंकि सब नबियों का बाप आपको करार दे दिया गया है। बस खातम इन मानों में कि इसकी तस्वीर आपको नबियों में दिखाई देगी, हर सच्चे नबी में तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स देखोगे, अगर नहीं देखोगे तो वह झूठा है। कितना अजीम शान माना है खातम नबीयीन का। ये माने करना कि खातम नबीयीन ने दूसरे सब नबियों का फैज ख़त्म करके अपना फैज भी बंद कर दिया सबसे बड़ी जहालत है। ऐसी जहालत है जिसको कुरान खुले बंदों झुटला रहा है। अब यह बात तो समझ आ गई कि पहलों का फैज जिस्मानी लिहाज से भी खत्म किया, रूहानी लिहाज से भी खत्म किया और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी नबी बने, आपकी खत्म से नबी पहचाने जाएंगे, आपकी तस्दीक से पता लगेगा कि कौन नबी है जिसकी अदाएं आपसे मिलती हैं वही सच्चा है, जिसकी अदाएं मुखालिफाना हैं वो सच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि सब नबियों के बाप हैं आप। अब अगला सवाल यह है कि आपका कोई अपना रूहानी बेटा भी होगा कि नहीं, या वो भी खत्म कर दिए? सबके फैज खत्म किए हैं, अपना भी खत्म कर बैठे तो हाथ क्या आया दुनिया को? उससे तो पुराने अदना ही काफी थे जिनका फैज जारी रहता। कुरान करीम फरमा रहा है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों का फैज ख़त्म करके अपना वो फैज जारी फरमा चुके हैं जिसमें किसी इनाम की कमी नहीं है। ये आयत करीमा जो सूरह निसा से ली गई है, मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ, ये ख़त्म नबूवत के मौजू पर एक आखिरी फैसला है, कती फैसला है। सूरह अनसा में यह आयत है, वमन युत अल्लाह व रसूल फ़ौलाइका माल लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो कोई भी अब
अल्लाह और इस रसूल अर रसूल मोहम्मद रसूलल्लाह की अतात करेगा, क्या होगा? उसको सजा मिलेगी, इनाम मिलेंगे? पहले नबियों की अतात के मुकाल पर कम इनाम मिलेंगे या कम से कम वो तो मिलें जो पहले नबियों की अतात से मिलते रहे मगर शान में उनसे बढ़कर? यही दावा ये आयत करीमा कर रही है। वमन युतिअल्लाह वर्रसूला, जो कोई भी अल्लाह की अतात करेगा और इस रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेगा, फउलाएका माल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अब सिर्फ यही लोग हैं जिनको अल्लाह इनाम अता करेगा, बाकी सबकी छुट्टी हो गई। खातम का मतलब गैरों के चश्मे बंद, अपना जारी। अब फैज लेना है तो इसके पीछे लगो। और साथ फरमाया वो कौन लोग हैं जिनको इनाम मिलेगा, लिस्ट बयान फरमाई है। मिनन नबी जीना, ये कुरान के अल्फाज हैं, नबियों में से होंगे ये लोग। वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीकों में से होंगे। वश्शहदाए, और शहीदों में से होंगे। वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे। वहासुना उलाए का रफीका, और ये साथ जो मोहम्मद रसूलल्लाह की गुलामी से मिलेगा ये सबसे अच्छा साथ है, इससे अच्छा कोई साथ नहीं। तो इनाम की लिस्ट तो वही है मगर हसुना उलाए का रफीका ने मर्तबा ऊंचा बयान कर दिया। अब तुम पुरानी उम्मतों में कहां रफीक ढूंढते फिरते हो, हसुना उलाए का रफीका। अब रफाकत ढूंढनी है तो मोहम्मद रसूलल्लाह की उम्मत में आपके गुलामों में पैदा होने वाले नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, सालेहीन की रफाकत ढूंढो, इससे बेहतर रफाकत नहीं मिल सकती। इतनी वाज़े खुली हुई आयत के बाद आयत खातम नबीन का यह तर्जमा करना कि आपने सब नबियों को ख़त्म किया सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, और सबका फैज ख़त्म कर दिया साथ अपना भी ख़त्म कर दिया। अब इस उम्मत में कोई नबी आपकी गुलामी में भी पैदा नहीं हो सकता। कुरान का दावा क्या है? गुलामी में पैदा जरूर हो सकता है मगर सिर्फ नबी नहीं, हर मर्तबा शान, हर मर्तबा इनाम अब मोहम्मद रसूलल्लाह की गुलामी से वाबस्ता हो चुका है। सिर्फ नबूवत बंद नहीं हुई, खातम सिद्दीकियत भी बंद है, शहादत भी बंद है, सालिहियत भी बंद है, मगर गैरों की, मोहम्मद रसूलल्लाह की गुलामी में न ये बंद न वो बंद न वो बंद। बस गुलाम नबी का तो ऐलान कर रही है ये आयत, और बजाय इसके कि पुराने मूसा के गुलाम को मोहम्मद रसूलल्लाह की उम्मत का फैज़रसान बनाओ, अगर गैरत है तो कुरान के इस माने को तस्लीम करना लाजिम है कि जब जरूरत होगी मोहम्मद रसूलल्लाह के गुलामों में से वो उठेगा जिसे खुदा फैज नबूवत अता करेगा, मगर मोहम्मद रसूलल्लाह की उम्मत के दायरे में और गुलामी के सदक़े। ये हमारा अकीदा है। अगर ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हत के रसूल है तो फिर उस अकीदे को पकड़े रखें कि मोहम्मद रसूलल्लाह की उम्मत में तो सब नाकाम हो जाएंगे, मूसा का गुलाम ढूंढना पड़ेगा, नया कुरान लेके आएगा, यानी दोबारा कुरान नाजिल होगा, और आखिरी फैज़रसान जो दुनिया देखेगी वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, फिर वो खातम नबीन हुए, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए? If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سيدنا صل على محمد